नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद दक्षिण कन्नड़ जिले में तनाव का माहौल है। इस तरह की रिपोर्टें हैं कि हत्या के पीछे विवादास्पद संगठन एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ हो सकता है। माना जा रहा है कि हत्यारे पड़ोसी राज्य केरल से कर्नाटक आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद वापस भाग गए। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज जैसे ही प्रवीण नेतारू की हत्या की खबर सामने आई तो विरोध में बड़ी संख्या में लोग बेल्लारे पुलिस थाने के सामने एकत्रित हो गए और नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने उस अस्पताल के सामने भी प्रदर्शन किया जहाँ नेतारू का शव रखा गया था। इस बीच यह भी सामने आया है कि प्रवीण नेतारू ने उदयपुर में मारे गए दर्जी कन्हैया लाल के समर्थन में फेसबुक पोस्ट किया था। हालांकि पुलिस ने अभी इस एंगल पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्थानीय लोग इस मामले की एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रवीण नेतारू ने 29 जून को फेसबुक पोस्ट में लिखा था, एक गरीब दर्जी का गला काटकर वीडियो बना दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक राष्ट्रीय सोच का समर्थन किया था। इस पोस्ट में आगे कहा गया, अब वे कह रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट प्रधानमंत्री मोदी है, आप सब अब कहाँ हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित कारणों के मद्देनजर पूछताछ का काम जारी है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के युवा नेता प्रवीण नेतारू मंगलवार रात को अपनी पोल्ट्री की दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जिस मोटरसाइकिल पर हमलावर आए थे उस पर केरल की पंजीकरण संख्या थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे पीएफआई हो सकती है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग बेल्लारे पुलिस थाने के सामने एकत्रित हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने हत्या के विरोध में बुधवार को जिले में सुलिया, कदाबा और पुत्तूर तालुकों में बंद का आह्वान भी किया है। इस बीच पुलिस ने बताया है कि ऐसा संदेह है कि बेल्लारी में हुई एक अन्य हत्या के प्रतिशोध में यह हत्या की गई हो। सूत्रों ने बताया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुलिया और आसपास के तालुकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्टें हैं कि बेल्लारी में तनाव व्याप्त हो गया है और पुलिस ने लोगों के प्रदर्शनों के बीच इलाके में सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों और होटलों को बंद करा दिया है। दक्षिण कन्नड़ के जिला पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश सोनवाने ने बताया है कि जांच चल रही है लेकिन अभी कोई सुराग नहीं मिला है। हमलावरों के केरल से आने की संभावना पर पुलिस अधिकारी ने कहा, ऐसा हो सकता है, हम विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं। उधर बीजेपी की दक्षिण कन्नड़ इकाई के अध्यक्ष सुदर्शन मुदबिद्री ने कहा है कि प्रवीण नेतारू संघ परिवार का सक्रिय सदस्य था जिसने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। वहीं प्रवीण नेतारू की हत्या की घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वह केरल सीमा के नज़दीक है तथा राज्य की पुलिस केरल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री ने कहा, यह स्वाभाविक है कि एक युवा व्यक्ति को खोने को लेकर आक्रोश होगा, लेकिन मैं शांति बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस मामले में सोशल मीडिया के जरिए संदेश मिल रहा है कि इसमें एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह भी सही है कि कांग्रेस ने केरल और कर्नाटक में एसडीपीआई और पीएफआई को बढ़ावा दिया। सर, बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, ये तो केरल के लिंक है। ऐसे इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहा है। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था, सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था, इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं इसीलिए। लेकिन हमारे सरकार उधर जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो कल्प्रिट्स है दे विल बी ब्रॉट टू बुक। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।